हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होली स्पेशल, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। और आप एक बार इन मिठाइयों को बनाकर खाओगे तो आप हलवाई की मिठाई हमेशा के लिए भूल जाओगे। और यह मिठाई आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही ईजी तरीके से बनने वाली मिठाई है यह। आपको सिर्फ 2 या 3 चीज़ों में आप इस मिठाई को फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए, मैंने सबसे पहले कढ़ाई को खाली ले लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून घी। 1/2 स्पून और डाल देती हूँ क्योंकि मैंने छोटी चम्मच ली हुई है। घी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और अब हम अपने घी को मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। तो देखिए, मैंने इसमें 1 गिलास दूध डाल दिया है। और घी और दूध को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे आप इसे मिक्स करते रहेंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। तो देखिए, हमारा दूध थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर। आपको इसे लो फ्लेम पर बनाना है। इसमें जैसे ही मिल्क पाउडर डालेंगे, आप इसे हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स न बने और आपकी मिठाई बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो देखिए, मैंने ये 1 कटोरी जो मिल्क पाउडर लिया था वो अपने दूध में धीरे धीरे डाल दिया है। मैंने इससे 1 कटोरी का माप लिया हुआ था मिल्क पाउडर का। ये 250 ग्राम मिल्क पाउडर था। वैसे अगर आप नाप में लो तो ये बड़ी कटोरी मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। और वैसे तौल में लो तो 250 ग्राम मिल्क पाउडर था हमारे पास। और अब हम इसमें जो छोटे छोटे लम्स हैं उन्हें ख़त्म कर लेंगे इसी तरह हिलाते। धीरे धीरे जब आप इसे हिलाते रहेंगे तो इसमें जो लम्स हैं वे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। मिल्क पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अमूल का भी ले सकते हैं या फिर रेडे का आता है वो भी ले सकते हैं। आपको मार्केट में अलग अलग तरह के मिल्क पाउडर मिलेंगे। तो देखिए, मैं इसे इस तरह हिलाते रहूँगी ताकि नीचे की तरफ लगे नहीं और आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार हो। तो देखिए, मैं इसे इस तरह हिलाती रहूँगी। हमने इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है। तो देखिए, मैं इसे इस तरह हिलाती रहूँगी जब तक है हमारी मिल्क पाउडर और दूध की कंडीशन मिठाई जैसी नहीं आ जाती, तब तक हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे। क्योंकि अगर आप इसे हिलाने से रुक जाएंगे तो ये नीचे की तरफ लग जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अगर इसे आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर इसी तरीके से आप इस मिठाई को बनाएंगे तो यह है इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। क्योंकि आप जितना भी दूध और मिल्क पाउडर को हिलाते हैं उतनी ही मिठाई आपकी स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। तो देखिए, हमारा डो टाइट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिल्क पाउडर और दूध बिल्कुल मिठाई की उसमें कंडीशन में आ चुका है। यह बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने ये ट्रे ली हुई है। ट्रे पर हम बिछाएंगे बेकिंग पेपर। अब अपनी ट्रे के अंदर बिछा लूँगी ताकि हमारी मिठाई नीचे की तरफ चिपके नहीं। और इसे भी हम हल्का सा चिकना कर लेते हैं ताकि हमारी मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से इसके अंदर से निकल जाए। तो अब जो पेस्ट है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पहले मैं थोड़े से इसमें जो ड्राई फ्रूट है मेरे पास अवेलेबल हैं वो डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं वो मैं नीचे की तरफ पहले से ही थोड़े से डाल देती हूँ ताकि हमारी मिठाई इनके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से जम जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इससे हमारी मिठाई का कलर काफ़ी अच्छा दिखेगा और यह खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगेगी। खासकर ये बच्चों को बहुत पसंद रहती है। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन टूटी फ्रूटी। तो देखिए, मैंने चारों तरफ इसमें कलरफुल अपनी टूटी फ्रूटी फैला ली है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना यह पेस्ट। तो देखिए, पहले में और अब में इसमें काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, आप देख सकते हो। पहले से काफ़ी टाइट हो चुका है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही ये टाइट होता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी ट्रे में डाल लिया है। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे एक ट्रे में लगा लिया है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडी होकर अच्छे से हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस प्रकार की। मैं इसे इस प्रकार प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसकी तरफ जो मैंने बटर पेपर लगाया है उसे धीरे धीरे उतार लेंगे ताकि इस पर जो चिपका हुआ है वो आराम से उतर जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम अपने इस बटर पेपर को उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और कितनी कलरफुल बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं जैसा पसंद करते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस शेप में काट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनी हुई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे एक प्लेट में लगा लिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक दिखने में कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया बनी हुई है। और दूसरी साइड से आप इस प्रकार भी इसे खा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।